मसरूफियात का आगाज एयरपोर्ट से रवानगी के बाद होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिसीव करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए रेड कार्पेट की जानिब बढ़ते हुए अब से कुछ देर के बाद ही इमरान खान साहब यहाँ पे पहुँचे थे। मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ पे धूप निकली है, इट्स सनी डे है इन पाकिस्तान इस्लामाबाद। और इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त अपने मुअज़्ज़ज़ की उनकी दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं दो दिन का दौरा करने के लिए। उनको रिसीव करने के लिए इस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने मकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां पे बाकायदा तौर पर वो अमीर कतर को रिसीव करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर उनके यहां पे मसरूफियात का आगाज़ होगा। जिस तरह से हमें गालिब साहब ने बताया कि हमारे जो चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं वो जाके जहाज़ के अंदर आगाह करते हैं ग्राउंड के हवाले से, ग्राउंड फैक्ट्स के हवाले से, और फिर उसके बाद जो सरबराह मुमलिकत हैं वो बाकायदा तौर पर नमूदार होंगे, उसके बाद ही वो बाहर आएंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ये कोशिश है कि आप तक हर मंजर पहुँचाया जाए। हमने अपने कैमराज की प्लेसमेंट भी ऐसे करने की कोशिश की है कि कोई मंजर मिस ना हो, लेकिन ऐसे मौक़ों पर यकीनी तौर पर चूँकि सिक्योरिटी इकदाम आदमी हैं तो हमारी कोशिश है कि हम बेहतरीन मनाजिर आप तक पहुंचा सके। जहाज का दरवाजा खुल गया है, आप देख सकते हैं इस वक्त, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यकीनी तौर पर अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखेंगे और उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये बराह रास्त और एक्सक्लूसिव मनाजिर है अमीर कतर की पाकिस्तान आमद के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं उनको रिसीव करने के लिए, और ये मनाजिर हम देख सकते हैं इस वक्त। अमीर कतर तशरीफ़ ला रहे हैं अपने तैयारे से बाहर, अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म से मुसाफा करेंगे। अमीर कतर मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख तमीम बिन हमद अस्सानी पाकिस्तान आ चुके हैं और इस मौके पर उन्हें 21 तोपों की सलामी पेश की जा रही है। नाज़रीन ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। 21 तोपों की सलामी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दी जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुसाफा किया और गले मिले, और इमरान खान साहब ने उनको रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रेड कार्पेट के ऊपर। और इस वक्त मुख्तलिफ बच्चे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि अमीर कतर हैं इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने कदम रख चुके हैं। बच्चों ने उन्हें रिवायती तोहफे और फूल पेश किए, और इसके बाद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बराह रास्त और एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए आप तक पहुँच रहे हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमीर कतर के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। आप देख सकते हैं रेड कार्पेट के ऊपर दोनों सरबराहान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कि जाने जाते हैं अपनी इस खूबी की वजह से कि वो डिप्लोमेटिकली ज़बरदस्त तरीके से इंगेज करते हैं मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को। आप देख सकते हैं कि किस कदर बेहतरीन तरीके से मुसाफा किया गया, दोनों सरबराहान गले मिले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त अपना तारुफ़ इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ अपने वज़रा से करवा रहे हैं। यहाँ पे ज़ुल्फ़ी बुखारी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के शाह महमूद कुरैशी साहब थे, दीगर हमारे जो कैबिनेट मेंबरान हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो कतर की उसका जो स्टाफ है उसके कुछ मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। उनका तारुफ़ वज़ीर आज़म से ने करवाया अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से, और इस वक्त वज़ीर आज़म मुअज़्ज़ज़ मेहमान को लेकर एयरपोर्ट लॉबी की जानिब गामज़न है। यकीनी तौर पर अब से कुछ देर के बाद अमीर कतर यहाँ से रवाना होंगे, जिन्हें वज़ीर आज़म हाउस ले जाया जाएगा, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद बाकायदा तौर पर उनकी मसरूफियात का भी आगाज़ होगा। मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ